और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को पहली बार संसद सुरक्षा मामले को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि सुरक्षा उल्लंघन के पीछे बेरोजगारी और महंगाई मुख्य कारण है। बता दें कि 13 दिसंबर को दो युवक लोकसभा में घुस आए थे और उन्होंने लोकसभा की दर्शक दीर्घा से नीचे कूदकर पीले धुएं वाली गैस का छिड़काव कर दिया, जिसको लेकर की पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश में बेरोजगारी एक बड़ा कारण है और मोदी सरकार की नीतियों के कारण युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया नहीं हो पा रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि देश में बढ़ती बेरोजगारी का कारण सरकार की गलत नीतियां हैं। दिल्ली से शुभ सेठ की रिपोर्ट। सुरक्षा ब्रीच हुई है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है।